यादव समाज के अनुपमा जी आप ऐसा हरकत का मतलब बदनाम कर रहे हैं। यादव समाज का क्या, यादव समाज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यादव समाज के लिए? जो बोल रहे हैं उससे तो आप लोग बोलने जा नहीं रहे हैं। किसे बोलने जाए बताइए, बोलेंगे किसे बोलने जाए? आप लोग तो खुद ही दबा दे रहे हैं। अरे तो आप सही रहिएगा, जादू है ना आप सही रहिएगा तभी ना हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आप लोग करते तो फिर नौबत का होता। अगर आप जादू रहते तो उसको चप्पल उठा करके मारते। अच्छा, अगर आप असली यादव है तो पहले संतोष सिंह को चप्पल उठा के मारिए। अगर असली आप यादव हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ रियलिटी में आप यादव हैं। उठाइए, आप मानते हैं ना कि हम यादव की बेटी हैं, आप हमारे समर्थन सपोर्ट में हैं। तो वो इतना दिन से हमको गाली दे रहा है, क्यों नहीं एक चप्पल उठा के आप मार दिए उसको? संतोष रेणु यादव, संतोष रेणु गाली दे रहा है आपके स्वभाव के ऊपर ना गाली दे रहा है। मेरा स्वभाव आप हमको कितने दिन से जानते हैं कि मेरा स्वभाव आप देख लिए? आप कितने दिन से इंडस्ट्री में है हम नहीं जानते। हम जितने दिन से पूछ रहे हैं उतना दिन से बताइए, कितने दिन से आप मुझे जान रहे हैं कि आप मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ? अगर तुम सच्चे यादव हो, अहिर के जन हो, अहिर की पैदाइश हो, तो आओ लाइव और जिसके बारे में बोल रहे हो उसके गाली दो। उसके बाद तुम कहो कि चप्पल उतार के मारो, जूता उतार के मारो, सब मारे। तुम लाइव आके बोलो, किसी के विपक्ष में लाइव आने की औकात है तुमको? ज्यादा बच्चे नहीं है, ठीक है ना? हेलो हेलो, अनुपमा जी। जी कौन? श्री राम यादव जी बोल रहे हैं बक्सर से। जी बोलिए। का मैटर बगोलू राजा करो राजा कन्या यूट्यूब? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पर्सनल मैटर है उनका, मेरा उनका राहुल मैटर है। जी जब राहुल उनका मैटर है तो कह के तो झगड़ा कर तो नहीं है? यादव समाज के अनुपमा जी आप ऐसा हरकत का मतलब बदनाम कर रहे हैं। यादव समाज का क्या, यादव समाज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यादव समाज के लिए? जो बोल रहे हैं उससे तो आप लोग बोलने जा नहीं रहे हैं। किसे बोलने जाए बताइए, बोलेंगे किसे बोलने जाए? आप लोग तो खुद ही दबा दे रहे हैं। अरे तो आप सही रहिएगा, जादू है ना आप सही रहिएगा तभी ना हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आप लोग करते तो फिर नौबत का होता। अगर आप जादू रहते तो उसको चप्पल उठा करके मारते। अच्छा, अगर आप असली यादव है तो पहले संतोष सिंह को चप्पल उठा के मारिए। अगर असली आप यादव हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ रियलिटी में आप यादव हैं। उठाइए, आप मानते हैं ना कि हम यादव की बेटी हैं, आप हमारे समर्थन सपोर्ट में हैं। तो वो इतना दिन से हमको गाली दे रहा है, क्यों नहीं एक चप्पल उठा के आप मार दिए उसको? संतोष रेणु यादव, संतोष रेणु गाली दे रहा है आपके स्वभाव के ऊपर ना गाली दे रहा है। मेरा स्वभाव आप हमको कितने दिन से जानते हैं कि मेरा स्वभाव आप देख लिए? आप कितने दिन से इंडस्ट्री में है हम नहीं जानते। हम जितने दिन से पूछ रहे हैं उतना दिन से बताइए, कितने दिन से आप मुझे जान रहे हैं कि आप मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ? सारी से आप जब तभी आपको पहले सुनिए, और जो असली यादव रहेगा ना वो ऐसा फालतू क्वेश्चन मुझसे नहीं करेगा, ठीक है ना? और एक बात और बता रहे हैं कि मैं यादव हूँ या नहीं हूँ नहीं जानती, मतलब वो किस प्रदेश है कि मैं जानती हूँ। तुम्हारा तो वो उसको बोल रही थी, वो उसको बोल रही थी, ये एक जादू है, वो भूनिहार है। अच्छा, जब जादू हो करके भूनिहार के पास नहीं जाएगी तो भुनियार सुनिए, पहले बात सुनिए, हमारा सुनिए। अरे पहले बात सुनिएगा यार, हम क्या बोल रहे हैं पहले सुनिए, समझिए पहले, एक आदमी के बात खत्म होने दीजिए। सुनो ना, जब अनुपमा जादव अगर चाह देती कि भुनिहार के पास हम जाएंगे, अब अगर भुनिहार अगर हम उल्टा पुल्टा बोलता तो चप्पल, अगर इंसान होती ना अनुपमा जादव, अगर इंसान होती, ये हैवान है, ये इंसान नहीं है, हैवान है अनुपमा यादव। यादव के नाम पे कलंक है, सुनिए पहले। अरे यादव के नाम पर कलंक, अगर ये इंसान होती तो अगर एक लेडीज जाते अगर लड़का बेइज्जत किया तो उसको चप्पल निकाल के उसको मारना चाहिए। थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तुम फोन करके उसको चप्पल मारो ना यार। अरे तो उसको, अरे सुनिए, गोलू राजा को भी मैं गाली पकड़ दिया हूँ, ऑडियो भेज दिया पास में, ऑडियो भेज दो, इसके लिए वेरी गुड बोलेंगे। लेकिन सुनिए, एक भी इज्जत उसको नहीं छोड़े भैया, एक भी इज्जत नहीं छोड़े अनुपमा यादव को। सुनिए, हम बहन समझते थे लेकिन ये बहन नहीं समझेंगे। जब उस समय तुम क्यों नहीं चप्पल उठा कर उसको? ये हमारे ज्ञात की है, ठीक है, हम भी जादव है, जादव है, लेकिन जादू होने से जादू करना तो नहीं। आप अगर इंसान रहते तो जादू होकर उसको चप्पल निकल के उसको मारते तो बोलते कि हाँ एक कलाकार है, अकेली लड़की जाती है,
कलाकार कौन जाता है इसके तो कलाकार सुनिए सुनिए कलाकार तो कोई आपको बेइज्जत कर देगा, आप सुनिएगा कलाकार सो गया है ना साल क्या आप क्या आप लोग क्या हैं वो समय के साथ वक्त से पहले कोई नहीं जानता ठीक है। अभी अभी हम आपको ऑडियो भेजते देख लीजिए तो उसको जो नहीं बोलना है उसको बोले हैं अनुपमा यादव के सपोर्ट से बोले हैं सुनिए यही मौका है अनुपमा भी अगर चाहती है सुनिए अनुपमा भी चाहती है कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ करे तो ये अच्छा कर रहा है नहीं 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 वो समाज सभा में ये कलाकार ये हर किसी के साथ शो करेंगे ठीक है लेकिन बात रह गया बेइज्जती का ये आपसे किसी के साथ डेडिकेट गाएंगे और अपने साथ क्या मतलब किसी के साथ डेट करेंगे ठीक है लेकिन सपोर्ट करने की वजह आप उनको उल्टा पुलटा आप इनको गलत मत बोलो ठीक है इनको गलत हम नहीं बोले गलत सुनिए पहले भाई जी इनको गलत हम नहीं बोले लेकिन गलत हम वहाँ बोलेंगे कि अगर आप जादू है एक भूयार आपके पास कहीं जाता है आपको बार बार ये छूता है वो छूता है कहीं आपको उल्टा पुल्टा बोलता है आपको बेइज्जत करता है एक लेडीज को अगर बेइज्जत करता है तो तुमको चप्पल निकाल के मारना नहीं चाहिए तुम तो खुद चाहती है अनुपमा खुद चाहती है कि हमारा हमको कोई करे छेड़खानी हमसे करे समझे ना अनुपमा बोल रही है बगल से बोलिए ना हमसे बात करने के लिए बोलिए ना अनुपमा को बोलिए सुनिए बोलिए ना अनुपमा बगल से बोल रही है ना उनको दीजिए ना फोन हमको हाँ बोलिए ना सुनिए बोलिए बोलिए सुनिए अनुपमा अगर इंसान रहती ना ये खुद चाहती है अनुपमा खुद चाहती है कि पैसा ना अगर तुम सच्चे यादव हो अहीर के जन हो अहीर की पैदाइश हो तो आओ लाइव और जिसके बारे में बोल रहे हो उसको गाली दो अनुपमा यादव उसके बाद तुम कहो के मारो उतार के मारो सब मारे अनुपमा तुम लाइव आके बोलो अनुपमा यादव लाइव आते किसी के किसी के विपक्ष में लाइव आने की औकात है अनुपमा यादव नहीं है ठीक है ना अनुपमा यादव आए तो बच्चे हमारा गाना देखिए हम सुनिए गाली देना चाहते अनुपमा जी सुनो